हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल में कवर लाइफ। कैसे हैं आप सब गाइस? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनदर मीशो हॉल, बट दिस टाइम आई परचेज ओनली वेस्टर्न टॉप। यहाँ पर कुछ वेस्टर्न टॉप्स हैं, एक जंप सूट है और दो या तीन सिंगल पीस हैं जिसको आप अपने पार्टी फंक्शन में वियर कर सकते हैं, एवरीडे वियर कर सकते हैं। ये हॉल बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो प्राइस रेंज सेलेक्ट करी है वो है अंडर 500। सो अंडर 500 आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ वेस्टर्न टॉप देखने को मिल जाएंगे। कुछ रफर्ड वाले हैं, कुछ ऑफ शोल्डर है, कुछ कोल्ड शोल्डर है, कुछ टी शर्ट्स हैं, कुछ डिफरेंट पैटर्न्स में, तो बहुत कुछ एक वीडियो में होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं मीशो ऐप की। तो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने लिए भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं एंड अगर आपको रीसेल करना है तो अपना मार्जिन जोड़ के आप रीसेल भी कर सकते हैं। सो जिस प्रोडक्ट की मैं बात करूंगी उसके जो एक्चुअल इमेज होगी वो आपको साइड में मेंशन होगी, ट्रायल होल भी मेंशन होगा एंड जो का कोड होगा, क्योंकि मीशो पे कोड होते हैं तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसको आप मीशो के सर्च बार पे टाइप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको उससे भी आइटम नहीं मिलता तो जो मैं पिक इंसर्ट करती हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके वो आप डाल सकते हो वहां पर मीशो के ऐप पे, उससे आपको सिमिलर आइटम या उससे मिलते जुलते आइटम्स निकल के आ जाएंगे। सो आप वहां पर परचेज कर सकते हैं, बहुत ईजी रहता है पे मीशो के ऐप पे परचेज करना और रीसेल करना। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आउटफिट है, सबसे पहले टॉप की बात कर लेते हैं। सो दिस इज द टॉप। सो ये मीशो के ऐप पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। सो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट करा है, इसमें मेरे पास जिपर है तो ये वाला शायद आउट ऑफ स्टॉक होगा, तो सिमिलर पैटर्न का जो होगा मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो इसमें मैंने जो परचेज करा है कलर वो है ब्लैक, आप देख सकते हो। इसमें बहुत प्यारा रफल्ड काम दिया हुआ है, पूरा पीछे से नीचे से रफल्ड है और बिल्कुल प्लेन टॉप है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी 3/4 लेंथ है एंड जो इसका मटेरियल है वो है सेटिन का, बहुत सॉफ्ट मटेरियल एंड बहुत एलिगेंट लगता है। इसे आप वाइट जींस के साथ एंड ब्लैक जींस के साथ दोनों तरह से कैरी कर सकते हैं एंड यू कैन सी द रफल कितना प्यारा है। अब तक ऐसे जो टॉप है वो आपको मिंत्रा वगैरह पे बहुत कॉस्टली मिलते हैं, बट मीशो के ऐप में आपको 3/400 में इतना प्यारा सा टॉप मिल जाएगा। बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे तो आप ट्राई कर सकते हो, मैंने इसमें से ब्लैक सेलेक्ट करा था, तो ये था फर्स्ट आइटम। उसके बाद सेकंड है वो है ऑफ शोल्डर टॉप। सो ये इस तरह का है, यू कैन सी इसका प्रिंट देख सकते हो, इस पे सारी जगह चेरी ब्लॉसम्स फूल बने हुए हैं। सो इस तरह का है एंड इसमें आपको मिल जाती 3/4 की स्लीव्स एंड स्लीव्स पे भी बहुत अच्छा रिफल काम दिया हुआ है। सो जो स्लीव्स हैं वो भी झालरों की तरह है, बहुत अच्छा है एंड नीचे इस पे यहाँ पर ना इस तरह से इलास्टिसिटी है, तो यहाँ पर ये इस तरह से कस जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा टॉप है। इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप ट्राई कर सकते हैं एंड इसकी लेंथ आप देख सकते हो इतनी है। सो इसको आप अपने एवरीडे काइंड में भी वेयर कर सकते हैं एंड ये टॉप बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसे आप ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो और यहाँ पर भी जैसे नॉर्मल टॉप पहनते हैं वैसे भी पहन सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर इलास्टिक दी हुई है तो इसको आप जैसे मर्जी वैसे पहन सकते हो और इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका जो बैंड है वो बहुत अच्छा है। तो ये था सेकेंड टॉप, आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, मैंने इसमें वाइट सेलेक्ट करा है जिसपे इस तरह के चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स बने हुए हैं। सो दिस इज सेकेंड आइटम। उसके बाद थर्ड है एक टी शर्ट। सो ये कुछ इस तरह की टी शर्ट है, ब्लू कलर की है एंड आपको नेक पे इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा, जिगजैग वाला पैटर्न है एंड यू कैन सी यहाँ पर इस तरह का ये पैटर्न मिल जाएगा। सो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये टी शर्ट भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सो इसको आप रेगुलर में वियर कर सकते हो, कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। पीछे से बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं है, रेयन मटेरियल में है और कॉटन मिक्स है इसमें, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड कंफर्टेबल है, तो आप इसे समर में भी वियर कर सकते हैं। इसकी जो स्लीव्स है वो है हाफ स्लीव्स, तो यहाँ तक ये आएगी जैसे मैंने ये वाला वियर करा हुआ है। सो ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, तो आपको जो ट्राई करना वो कर सकते हो एंड दिस इज सो 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 सॉफ्ट, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट है एंड बहुत ज़्यादा ब्रीथेबल मटेरियल में है। उसके बाद नेक्स्ट है फिर से एक ऑफ शोल्डर टॉप। सो दिस टाइम आई परचेज इन रेड कलर, सो इस तरह का रेड कलर में है, यू कैन सी इस तरह का टॉप है, बिल्कुल प्लेन बेसिक टॉप है बट ऑफ शोल्डर है, ऊपर आपको इस तरह का इतना थ्री, ये आई थिंक 3 इंच है,
3 इंच चौड़ी पट्टी मिल जाती है जो इलास्टिसिटी के साथ है। बैंड इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसको आप ऑफ शोल्डर टॉप को अपने कॉलेज में भी वेयर कर सकते हैं, डेली में भी वेयर कर सकते हैं। एंड इसको जो स्लीव्स है वो है हाफ स्लीव्स, सो ये यहाँ तक ही आता है। एंड बिल्कुल बेसिक रेड कलर का टॉप है, मरून से रेड कलर का टॉप है। सो इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे, आपको जो पसंद हो आप वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो मैंने साइज सेलेक्ट करा है वो है एल, और किसी का एक्सएल है, शायद वो कॉटन वाले का एक्सएल होगा क्योंकि वो मैंने रिटर्न करके मंगाए थे। सो जो आपका साइज हो एग्जैक्ट वही मंगा सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं होने वाला है। सो ये था नेक्स्ट आइटम। उसके बाद अगेन एक ऑफ शोल्डर टॉप है, एंड ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सो दिस इज़ द टॉप, एंड देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइब्रेंट कलर है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइट पिंकिश कलर है, बट इस पर यहाँ पर येलो कलर के, ग्रीन कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं जो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहा है। सो ये इस तरह का ही ऑफ शोल्डर है, कम्प्लीटली ऑफ शोल्डर है, बट इसका जो बैंड है ना वो बहुत सॉफ्ट है। कोई ऑफ शोल्डर टॉप होते हैं जो बिल्कुल हार्श होते हैं, चुभते हैं, और बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी बैंड की वजह से बहुत ज़्यादा इचीनेस होती है, बट इसके साथ नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत कम्फर्टेबल है। सो आपका जो भी साइज हो इजिली आ जाएगा, ये इतना ज़्यादा एडजस्टेबल है। सो लुक ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके जो स्लीव्स हैं वो हाफ स्लीव से थोड़ा सा नीचे है, एंड नीचे आपको इससे अगर रफ्फर्ड काम मिल जाता है, नीचे लेस लगी हुई है, तो ये बहुत प्यारा है। इसको आप पार्टी फंक्शन में भी वेयर कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से पोनी बना के या फिर लोबन बना के स्टाइल करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, बहुत सारी वीडियो में आपने मेरे को देखा होगा इसे पहनते हुए, क्योंकि मैं इसको जब मेरे हाथ में पड़ता है ना मैं इसको तभी पहन लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत सॉफ्ट भी है। सो इसके नीचे आप जो ब्राज वगैरह है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपका साइज एक्सएल है या फिर लार्ज है और आपको जो ट्यूब ब्राज है वो नहीं मिलती, तो मैंने ऑलरेडी एक ब्रा हैक पे वीडियो बनाई हुई है जो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, तो वो आप देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इन टॉप्स को कैसे वियर करना है रेगुलर ब्राज के साथ में, तो वो भी आप देख सकते हो। तो दिस इज द नेक्स्ट टॉप। उसके बाद है एक कोल्ड शोल्डर टॉप, एक नहीं दो कोल्ड शोल्डर टॉप है, तो ये नेक्स्ट वाला है। सो इसका जो पैटर्न है यू कैन सी मस्टर्ड येलो कलर में है। सो इसमें मैंने अपना जो साइज मंगाया वो है एक्सएल, बट मुझे थोड़ा सा लो एल ही मंगाना चाहिए था, थोड़ा सा लूज है ये मेरे को। सो ये कोल्ड शोल्डर टॉप है, सो इस तरह के स्लीव्स पे यहाँ पर कट होता है। कोल्ड शोल्डर टॉप के यहाँ पर आपका जो ये एल्बो होती है, ये क्या होती है इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट ना, हाँ जॉइंट के पास में आपको यहाँ पर कट मिलता है। सो इस तरह का है, इस तरह का है, इस पर पैटर्न बना हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं, पीछे से बिल्कुल बेसिक है। एंड ये थोड़ा सा ट्यूनिक टाइप में है, जैसे अनारकली का होता है ना बिल्कुल स्लेट में फिर उसके बाद थोड़ा सा घेर, ये उस टाइप का कुर्ता है। सो इस तरह का है, और इसके बाद इसकी जो स्लीव्स मिलती है वो भी 3/4 है। सो बिल्कुल बेसिक है, प्योर कॉटन मटेरियल में है, तो अपने एवरीडे काइंड में भी आप इसको वियर कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन थे। उसके बाद नेक्स्ट भी है एक कोल्ड शोल्डर टॉप, ये भी आपने मेरे को बहुत बार देखा होगा पहनते हुए, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। सो ये ब्लू कलर में है, शायद आपको ब्लैक दिख रहा हो, बट ये ना जो नेवी ब्लू कलर होता है ना उसमें है। सो इस तरह का है, ये कोल्ड शोल्डर है। सो ये भी स्लीव्स के साथ में है, इस तरह पे जो ज़ेब्रा प्रिंट है वो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद है ये, क्योंकि इनका जो भी मटेरियल है ना वो बहुत सॉफ्ट है। सो इसमें जो आपको स्लीव्स मिलती है वो थोड़ी सी रफल टाइप है, प्रॉपर ऐसे नहीं है बिल्कुल चिपकी हुई, ऊपर से ही रफल्ड आया हुआ है, तो बहुत प्यारा टॉप है। उसके बाद जब इसे बैक करोगे तो बैक में भी आपको सेम ज़ेब्रा प्रिंट मिलता है, तो इसको भी आप अपने एवरीडे काइंड में भी वियर कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट आइटम इज 3-लेयर टी शर्ट। सो ये इस तरह की टी शर्ट है, इसमें आपको 3-लेयर पैटर्न मिल जाएगा, ये नेवी ब्लू कलर है, शायद ये पिक में वीडियो में ब्लैक दिख रहा होगा, बट एक्चुअली में ये नेवी ब्लू कलर है, फिर व्हाइट है, फिर ये मस्टर्ड येलो है। सो इस तरह की टी शर्ट है, इसमें आपको 2-3 कलर और मिल जाएंगे। सो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसे आप अपने एवरीडे काइंड में भी वियर कर सकते हैं, ऑफिस में, कॉलेज के लिए भी वियर कर सकते हैं, जींस के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। एंड इसके नीचे आप ब्लू जींस वियर कर सकते हैं, व्हाइट जींस वियर कर सकते हैं, सिमिलर ही पैटर्न आपको आगे मिल जाएगा, एंड सिमिलर पैटर्न ही आपको बैक में भी मिल जाएगा। सो इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत शाइनी मटेरियल है। नॉर्मल से टी शर्ट्स होती है उनका मटेरियल कॉटन का होता है, बट ये कॉटन मिक्स है, और जैसे हमारी जो नॉर्मल कैमिसोल का मटेरियल होता है ना सेम मटेरियल इसका है, तो ये काफ़ी ब्रीथेबल है, आप इजीली इसे कैरी कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगती है ऐसी टी शर्ट्स, और ये प्रिंटेड टी शर्ट भी थी इनमें, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो इट्स द नेक्स्ट आइटम। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास एक जंप सूट। सो ये जंप सूट
आपको बहुत कम प्राइस पे मीशो पे मिल जाएगा। सो दिस इज द जंप सूट। सो इस तरह का है, ये है बिल्कुल मरूनिश कलर होता है ना रेड वाला, वो है। सो इस तरह का है, बिल्कुल नीचे तक है, एंड इसमें जो मेरा साइज है आई थिंक वो XL होगा, या XL इसमें मेरा साइज है। सो ये इस तरह का जंप सूट है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद है लास्ट वाला जो मैंने ऑलरेडी वियर करा हुआ है, तो इस पर आप देख सकते हो इस तरह का पैटर्न है, यहाँ पर आई बनी हुई है, यहाँ पर स्माइल बनाई है, यहाँ पर बिल्ली के जो बहुत क्या होती है ये हेयर्स होते हैं ना वो बने हुए हैं। तो ये टी शर्ट भी मैंने मीशो से परचेज करी थी, ये सेट ऑफ टू थी, दोनों का मैं डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी, 200 रुपीज़ में शायद वन टी शर्ट का प्राइस था। सो इस तरह के इसके स्लीव्स है, प्रॉपर कॉटन मटेरियल में है, बट ये थोड़ी सी श्रिंक हो गई थी वॉश करने के बाद, क्योंकि ये मैंने बहुत टाइम पहले जब मीशो ऐप चला ही था तब परचेज करी थी। तो मैं इसको रेगुलर नहीं वियर करती, सिर्फ मैं इसको वीडियो में ही पहनती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी शॉर्ट हो गई। तो आपका जो भी साइज़ हो इससे एक अप मंगाना, ताकि अगर ये श्रिंक भी हो जाए तो ना कुछ प्रॉब्लम हो। बट अदरवाइज इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, 2-3 बार वॉश कर लिया इसका प्रिंट बिल्कुल भी नहीं निकला है। एंड यहाँ पर जो ये आइज़ बनी हुई है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इसे आप अपने एवरीडे काइंड में भी वियर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है। उसके बाद दो है मेरे पास यहाँ पर वन पीस। सो वैसे ये अपटाउनी के हैं, बट मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि सिमिलर मेरे को मीशो के ऐप पे दिखे थे और मैंने वहाँ पर रिव्यूज़ देखे तो बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो सेम आइटम थे। सो मैं इसी में इंक्लूड कर रही हूँ। वैसे मैंने ये अपटाउनी से परचेज करे, बट ये मीशो के ऐप पे बहुत रीजनेबल प्राइस पे थे। मैं बाद में रिग्रेट कर रही थी कि मैंने क्यों इसे अपटाउनी पे ले लिया, क्योंकि अपटाउनी पे ये 800-1000 रुपीज़ के हैं, बट मीशो पे ये 400 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएंगे। सो बहुत अच्छे हैं। सो फर्स्ट है ये वाला। सो ये ब्लैक कलर में है, इस तरह का है, यू कैन सी यहाँ पर आपको बटन की तरह डिटेलिंग मिल जाएगी, ऊपर थोड़ा सा बैन वाला नेक दिया हुआ है, यहाँ पर ये हाफ स्लीव्स दी हुई हैं, इस तरह का पैटर्न है, यू कैन सी ये इस तरह की स्कर्ट की टाइप में है। तो आप इसको एज अ वन पीस भी वियर कर सकते हो, एज अ टॉप भी वियर कर सकते हो, अब टू योर चॉइस कि आपको क्या से क्या पहनना है। बहुत अच्छा है। एंड साथ में जो है इसकी वेस्ट है ना, वहाँ पर आपको हल्की सी ये क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिसिटी बैंड भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर अच्छे से फिट हो जाती है, आपकी बॉडी शेप ले लेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन मीशो के ऐप पर अवेलेबल है, जो आपको सूट होता हो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगेन वो वन पीस है। सो इस टाइम मैंने परचेज करा ये ब्लू कलर। सो ये भी सिमिलर आपको मीशो के ऐप पे भी अवेलेबल होगा। सो इस तरह का है, इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा यूनिक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पैटर्न किस तरह से है। सो यहाँ पर ना ये इस तरह से जा रहा है चेस्ट के ऊपर से, तो ऐसा बहुत अच्छा वी नेक का बनता है, बट थोड़ा सा डीप है तो आप एडजस्ट कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इसकी जो स्लीव्स है वो है बेल स्लीव्स, इस तरह की रफल्ड स्लीव्स हैं, बेल स्लीव दी हुई है, बिल्कुल नीचे तक आती है। और इसके वेस्ट पे ना यहाँ पर आपको दो नॉट मिल जाती है बैंड की तरह, तो इसको आप अच्छे से नॉट बना के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइट करना है वैसे। एंड इसकी भी लेंथ यहाँ तक है, नीज से नीचे तक की, तो इसको भी एज अ वन पीस भी आप वियर कर सकते हो, एज अ टॉप भी वियर कर सकते हो, तो ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। एंड अप टाउन की जो कपड़ों की प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई है, बट जो क्वालिटी है उनके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। अगर आपको कंप्लीट अपटाउनी हॉल भी देखना है तो मेक श्योर मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि मेरे पास अपटाउनी के ऑलमोस्ट 8-10 आइटम्स हैं जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही था आज का हॉल। सो इस प्रोडक्ट का जितने भी मैंने आपको बताया सबका जो कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, उस कोड को आप मीशो के ऐप पे टाइप कर सकते हो, आप कैसे भी वहाँ पे जाके पिक इंसर्ट करके कैसे भी उस आइटम को ले सकते हो। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो मेक श्योर मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे क्या करना है। और मीशो की मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मीशो पर मैंने बहुत सारे हॉल अब तक कर लिए, शायद 4-5 हॉल और हो चुके हैं, जिसमें एक चिकनकारी कुर्ती थी, एक कुर्ता प्लाजो सेट था, होम डेकोर था, और एक दो आइटम्स और थे, मुझे ध्यान भी नहीं है। सो वो सब आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और इसी तरह की मोर सच वीडियो देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल बटन है उसे क्लिक कर देना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।